पे। ए लड़ाई मत करो, भैया ने मारा तो तूने मारा। कैसा भगा, कैसा भगा, क्या कर सकते, किसी को हमारी खुशियाँ पसंद नहीं है ना, इसलिए हमारी खुशियों पे वो जल्दी नजर लगती है, इसलिए हम शेयर नहीं करते। और मैं ज्यादा एक्साइटेड थी, मैं माधव प्रिंसी और इनको नहीं मारा, प्रिंसी सबको मार। चेस्ट पे ये देखो यहाँ खाटा है इसने, इसको मैं इतना मार मारूंगी ना बंदरी को, ऐसा करा। हाँ। बस आपको सॉरी बोलना है ना, कैसे सॉरी बोलेगा, इच्छी इच्छी प्याल के चिकलेगा। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशी चिवाय ब्लॉग्स में। तो ना अभी टाइम हो रहा है 12:45 और मैं अब ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आप सोच रहे दीदी इतनी लेट क्यों करते हैं यार, मैंने अपने घर के काम से पूरा फ्री हो जाती हूँ उसके बाद मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो घर का काम रहता है, ब्लॉग रहता है, बच्चा रहता है, सब परेशान करते हैं। इस वजह से मेरे बर्तन अभी रहे हैं, पूरा काम नहीं हुआ है मेरा। अभी तो भाभी आए हैं तो प्रिंसी ने देख लिया तो बोल रही मम्मा पप्पू दो, पप्पू दो, मतलब चल बहन पप्पू दूंगी, मैंने हेयर कॉम भी नहीं करा अभी। ये देखो चले, ये बच्चों के लिए बिस्किट रख लिए, बच्चों को बिस्किट खिला दूँ, हेयर कॉम भी नहीं करा यार, सब बाद में करूँगी अब उसको सुलाने के बाद में। चलो आज मार्केट जाने के था, वो भी कैंसिल हो गया, दीदी के ससुराल से कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो दीदी बोले बहन अभी नहीं जाएंगे, बोला ठीक है बहन बाद में चलेंगे। अब शिवाय भी गए और आज देखो ना धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है। आते हैं भाभी से मिलते हैं। पप्पू तू कहाँ खा ला विचित, वाह यार विचित काला मेला बेटा। और ये इसको देखो बच्चे, भैया को तैयार कर रहा लाडो करो। कितना ध्यान से देख रहा है मम्मी पप्पू इसको, लिपस्टिक भी लगाएगा जा लगा। हाउ मस्त मोले, सही में नहीं है मम्मी, किसी का नहीं ऐसा बच्चा, इतना सुंदर सा सीधा साधा, मस्ती खोर शैतान बदमाश सब गुण है उसके अंदर एक एक। पता है इस बार ना लड़ाई उल्टी हो रही है, माधव प्रिंसी और इनको नहीं मारा, प्रिंसी सबको मार दिया। देखो अभी ना इसको काट ली, कहाँ काटा बेटा पता, देखो चेस्ट पे ये देखो यहाँ काटा है इसने, इसको मैं इतना मार मारूंगी ना बंदरी को। हर बार माधव काटता है, इस बार ये काट रही है सबको टेंशन। और बोलती क्या कैसा काटा, नम 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 काटा, देखना वो बोलेगी क्या रे अटिंडे, क्या काटा तूने भैया को, हाँ कैसा काटा, ऐसा करा। हाँ। बस नहीं मम्मा मोबाइल नहीं देती, क्यों काटता तू भैया को, सॉरी बोलना है ना, कैसे सॉरी बोलेगा, इच्छी इच्छी प्याल कैसे करेगा। बता तू भैया क्या लग गया, बपरे मेरे छोरे को यहाँ तो क्या लग गया, लाटो तेरी आंखें बता दी, मम्मी को अली नरियाल बता दी, लाटो तेरे होद बता दी, बहुत बेकार लड़की है ये हमारी, कुछ 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 बहुत मार भी खाती। जा सॉरी बोल क्या भैया को, हर बार माधव सब बच्चों को मारता है, इस बार प्रिंसी सब बच्चों को मार रही है। पप्पू को काटा, माधव को काटा, मतलब शैतान ये बन गई है। छुपे मत माता की मेथी, मामी का चप्पल नहीं पहनना, चलो आओ इधर। पुप्पे को देखो क्या पहना है और इसको देखो उसकी मासी की जूतियां पहन पहन के घूम रही है, सीधे नहीं रहते आ रहा है तुम लोगों को दोनों को, उसको पहन रही है बार बार फिसल रही है। हाँ बुआ दिए पहन ले, फिर गिरना है ना, ये इसने तो निकाल दी, देखो फंसा लेते हैं, अब ये गिरेगी। हाँ चप्पल
प्रिंस को देखो चाबी कहाँ लगी गाड़ी में, क्या है लाडो चाबी बूम, हाँ लगाओ गाड़ी में लगाओ, चलाओ बूम चलाओ, चाबी लेके भग जाएगा। हाँ पुप्पू लगा दे बेटा, ये ताली कैसी बजाती लाडो, ताली बजा दे तुम पापा। अगर आप लोग बोलो ना तो एक मैं पूरा दिन सिर्फ प्रिंसी का ही ब्लॉग शूट करूंगी, अगर आप बोलो तो, कमेंट करो अगर करना हो तो, क्योंकि ना प्रिंसी की इतनी सारी एक्टिविटीज रहती है, इतनी मस्ती रहती है, बट मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, कितना करूँ यार मैं फुल, मतलब एक डेढ़ घंटे का व्लॉग बने अगर सारी एक्टिविटीज उसकी डाल दूँ मैं तो, वो ज़्यादा शैतानी करती है। अभी देखो ना ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, चाबी फेंक दी पप्पू उठा के दे रहा है, लगाएंगे मस्ती करेंगे। हर बार दीदी का बेटा तबाही मचाता है, इस बार हमारे बच्चे तबाही मचा रहे हैं माधव पे। ए लड़ाई मत करो भैया ने मारा तो तूने मारा, लड़ाई नहीं करना बेटा, नहीं लड़ना, हाँ चप्पल ले ले उसकी मम्मी के, हाँ ले जा बेटा चप्पल पहन ले उसकी मम्मी के, हाँ चलो जाओ पप्पू और प्रिंसी जाओ। पता है आज ना मेरे हेयर कॉम भी नहीं हुए यार, यहाँ खाना बन रहा है तो यही बैठी हूँ बच्चों को देख रही हूँ, मम्मी और ये लोग खाना बना रहे हैं, दीदी के ससुराल वाले आ रहे, तो क्या बेटा तो जाओ ना, हाँ खाओ बेटा आप खीरा। आप मेरी हालत देख सकते हो कितनी बेकार हो गई, मैं अभी आई थी ऊपर से नीचे प्रिंसी को खिलाने के लिए, बट शिवाय आ गए तो प्रिंसी को घुमाने ले गए, पता है तेरी ने फिंगर कट गई अभी अभी, ब्लड बंद हुआ है देखो कितनी ज़्यादा कट गई है, दर्द कर रही है अंदर तक कट गई, शिवाय से बैंडेड भी लई है, बैंडेड लगवा लूँगी मैं, प्रिंसी को सुलाना है, नींद बहुत आ रही है यार, फिर भी मैं अपने हेयर वगैरह काम करूँ और संडे ना पार्लर वगैरह जाने का है, क्लीन अप और हेयर स्पा वगैरह जो भी करूँगी मैं। बाय बाय मतलब लाडो बोलना नहीं, अंदर आओ डेडा, चल अंदर आओ गैया फेंक दो उसको, गंदी है फेंको उसको, लंबे हाथ से फेंकना गाय, चलो बेटा अंदर आओ, चलो अंदर चलो, आ जाओ मस्त चाय पियेंगे कड़क वाली, कैसा पका कैसा पका बैंडेज लगाऊंगी ला में दे, आहो प्लेट लिया ना बोल तो, ओ बापी दही तो मम्मा को आटा निकालते, देखो मुंह से फाड़ा है इसने, डरावता हूँ केक का सब भाजी पाला बना दिया, ये लगी है देखिए क्या क्या दिख गया तुमको, ए भाई तुमको कहाँ दिख गई, आपकी जीजू ने बैंडेड लगा दी है, ओ मम्मा की बेटी होशियार चन, अब भी झाड़ू पोछे करे घर के मैंने, हाँ खा ले हमें स्लोमो की, आहो ये लो तो उधर रखो ना बेटू, नहीं तबीयत खराब है ना अपनी, है ना सही बोलना,
इसलिए अपन घर आए, फिर नहीं तो अपन घर आते ही नहीं। और पता है एक व्लॉग में मैंने बोला था कि आपके जीजू का प्रमोशन होगा, मतलब बड़ी पोस्ट पे जॉब लग गई है, बट अब क्या कर सकते, किसी को हमारी खुशियाँ पसंद नहीं है ना। जहाँ जॉब करते थे वहाँ से तो हटे ही हटे, और जहाँ बड़ी पोस्ट पे लगी थी वहाँ से भी हट चुके हैं। अब आपके जीजू कई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, बट बहुत जल्द अब जॉब करेंगे, अभी फ़िलहाल घर पर ही है, जॉब की तलाश में है आपके जीजू। बहुत सबको ना हमारी खुशियाँ अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हमारी खुशियों पर बहुत जल्दी नज़र लगती है, इसलिए हम शेयर नहीं करते। और आप बोलते मीडिया हम आपके फैमिली वाले हमको बता दिया करो, कैसे बताओ यार, इतनी बड़ी बात है आपसे शेयर करी मैंने, और ये रिजल्ट मिला कि हमारी खुशियों को नज़र लग गई, सब कुछ हो गया था, डन हो गया था। ओ नमनम, आपको इतना सा दिख रहा है, इतना गंदे वाड़ा मचाया है ना तूने। हाँ बेटा गंदा है, मम्मा अभी क्लीन कर देगी। हमारी खुशियाँ ना किसी से देखी नहीं जाती, इसलिए मैं किसी से शेयर नहीं करती, जब तक पूरी कंफर्म नहीं हो जाती। बट उस टाइम मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने शेयर कर दी तो बहुत जल्दी दूसरे ही दिन नज़र लगी थी, बट मैंने सोचा नहीं यार हो जाएगा, बट देख सकते हो आपकी क्या हुआ हमारे साथ, बहुत दुख की बात है। अब ढूंढ रहे आपकी दीदी दूसरी जगह का मैनेजर, भी पोस्ट से तो गए, दूसरे जो बने थे एरिया मैनेजर वगैरह वो पोस्ट से भी गए। हमारे महाकाल सब ठीक कर देंगे क्यों बाबू, बहुत जल्दी ठीक करेंगे हमारे महाकाल। हाँ साफ कर दूँ। हाँ कह रहे क्या तैयार हो, क्या है तू बता, तू जरा टीके लगाई, किसने लगी? बुआ ने, ये बुआ ने, कभी माँ कभी बुआ। ए आप बॉय हो, आपने लिपस्टिक लगवाते, गंदी बात। इधर तो बता, यहाँ पूछा। अभी डिसाइड हो रहा है कि राखी पर क्या पहनना है, तो दीदी तो उसकी साड़ी ली आई है, भाभी का डिसाइड कर रहे हैं, मेरा भी मेरे को डिसाइड करना है। और पता है ये सब डिसाइड कर रहे थे और मेरे को मिली है एक फोटो जो कि दीदी की है, थोड़ा सा चलता है। ये है पूजा दीदी, घूमने गई थी सल्तनपुर और चिल्ला रही है वहां पे, गया मेरा छोरा। किसने मारा बेटा? ये देखो ये पूजा दीदी, कौन है बेटा? मासी कौन है? अरे औलादोन हम तो ना बेटा, हमारा रात की 11 और हम दीदी को ना बोल रखी चलते को थोड़ा घुमा के लाते, नीचे ही नहीं उतरना है उसको, दिन भर जब से घर में हो रही है ना, एक मंगलसूत्र तोड़ दिया, दो तोड़ दिए, तीसरे पे भिड़ गई है तोड़ने को। घुमाने ले जा रहे, ऊपर से नीचे ही नहीं उतर रही है पागल। क्या सो अभी हम लस्सी पीने जाने के लिए, लस्सी नहीं मिली तो क्या पिलाएगी? रस्सी है दीदी, शिव भैया साथ जाएगी और हम हमारे साथ। छोटी भी खोल दी तूने टेंसी? मामा से किस बात का डर तुम सबको बेटा? चेटा बच कैसा लगा लाडो जूस? अभी आपका जूस आ रहा है ना? जी का जूस आ गया। आहो नहीं देख कहीं नहीं होता दीदी, देख प्रिंसी को भी खाता कर देती, देख प्रिंसी भी पी के देखो, माधव अच्छी लगती, पियो माधव, टेस्ट तो करो बेटे, स्ट्रो से पिए, स्ट्रो से पीना
देख मेरी बेटी को देख, गड़ 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 चला उसका।